कमलेश्वर हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने हिंदी साहित्य और हिंदी मीडिया को समृद्ध किया है। कहानी, उपन्यास, संस्मरण, पटकथा, संवाद सभी विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया और अपनी छाप छोड़ी। हिंदी की कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया। अपने लेखन और संपादन के तेवर की वजह से हिंदी रचना जगत की हलचलों में वे अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाले लेखकों में से थे। तत्कालीन राष्ट्रीय मुद्दों को रचना जगत से जोड़ने की उनकी सक्रिय भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वे अपने समय के सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले संस्कृति कर्मी के रूप में भी याद किए जाएंगे। हिंदी कथा के इतिहास में एक ऐसा दौर रहा जब युवा रचनाकारों को कमलेश्वर ने सर्वाधिक आकृष्ट किया। अपने काम के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवादों से वे कभी विचलित नहीं हुए, बल्कि पूरे धैर्य के साथ उन्होंने उनका सामना किया। साहित्यिक सांस्कृतिक मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी करना और वक्तव्य देना उनके स्वभाव में शामिल था। एक बार एक प्रसिद्ध पत्रिका ने परिचर्चा का विषय रखा पत्नी और प्रेमिका। आशय यह था कि मनुष्य के जीवन में किसका कितना महत्व है। कई लेखकों ने उस परिचर्चा में हिस्सा लिया। कमलेश्वर ने यह कहते हुए उस विमर्श से अपने आप को अलग कर लिया कि यह मेरे युग की समस्या नहीं है। तात्पर्य स्पष्ट था कि समय के गंभीर प्रश्नों पर विचार करना ही प्रासंगिक होता है। किसी भी काल के चर्चित लेखक के साथ कुछ विवाद जुड़े होते हैं। यह सूत्र कमलेश्वर पर भी लागू होता है, किंतु रचना कर्म में उनकी निष्ठा और निरंतरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। कमलेश्वर का जन्म 6 जुलाई 1932 को उत्तर प्रदेश में मैनपुरी कस्बे में हुआ। 27 जनवरी 2007 को उन्होंने अंतिम सांस ली। यह उनकी पहली कहानी कॉमरेड शीर्षक से 1948 में प्रकाशित हुआ, किंतु उनका रचनाकाल 1950 से 2006 तक माना जाता है। हिंदी कहानी के ये 6 दशक वैचारिक और शिल्प की दृष्टि से बहुआयामी रहे हैं। प्रगतिशील कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी, सक्रिय कहानी, अकहानी, समांतर कहानी जैसे दीर्घजीवी और अल्पजीवी साहित्य आंदोलनों से होते हुए आंदोलनों के तरल और क्षीण होते जाने तक का सफ़र हिंदी कथा साहित्य ने तय किया है। हिंदी कहानी को प्रेमचंद ने यथार्थ की ज़मीन के साथ आदर्श का क्षितिज भी दिया। आलोचकों ने कहानी की इस प्रकृति को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के नाम से भी रेखांकित किया है। हिंदी का यह जो मार्ग बना, उस पर निर्मित चौराहों से कई दिशाओं के लिए मार्ग फूटते हैं। हिंदी कहानी ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य का स्वरूप सामाजिक यथार्थ और मानव मूल्यों को आत्मसात करके निर्मित हुआ है। इस स्वभाव में अद्भुत निरंतरता है। भारत के सामाजिक राजनैतिक जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, किंतु भारतीय साहित्य इन मूल प्रतिज्ञाओं का निर्वाह करता रहा। आदर्श, संघर्ष, आशा, निराशा, आक्रोश के जिस दौर से भी भारतीय जनमानस गुजरा, उसका चित्रण हिंदी कहानी में भली भांति हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गुलामी से मुक्ति प्राप्ति के लिए भारत में जन आंदोलन हुआ, जिसमें जनता ने कष्ट सहे और त्याग किया। उसे आशा थी कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्हें एक सुखद जीवन मिलेगा। लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली, किंतु कुछ ही वर्षों में भ्रष्ट और जन विमुख राजनीति ने जनता के मन में निराशा का भाव पैदा किया। कई समाजशास्त्रियों और साहित्य के आलोचकों ने इसे स्वप्न भंग का काल भी कहा है। स्वप्न भंग की हताशा और अवसाद का प्रभाव 20वीं सदी के 6वें-7वें दशक के भारतीय साहित्य पर देखा जा सकता है। उस काल के सामाजिक जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था लोगों का रोजी रोटी के लिए गांव से विस्थापन। दूसरे शब्दों में इसे हम गांवों कस्बों से शहरों की ओर पलायन भी कह सकते हैं। किसान परिवारों के सदस्य भूमि के बंटवारे और गांवों में आजीविका के अभाव के चलते महानगरों में मजदूर बने, जिसके संकेत
प्रेमचंद की परवर्ती रचनाओं में मिलते हैं। दूसरी ओर पढ़े लिखे परिवारों का नौकरी पेशा समुदाय शहर की व्यस्त जिंदगी का हिस्सा बना। यह समय हमारे देश में मध्य वर्ग के विस्तार का था, जिसकी बहुआयामी समस्याएं थी। ये परिवार भी गांवों कस्बों के अपने संयुक्त परिवार से अलग होकर शहरों के अपरिचित वातावरण में भीड़ का हिस्सा बनकर जीवन बिताने के लिए बाध्य थे। स्त्री पुरुष के संबंधों का समीकरण बदल रहा था, पुरानी मान्यताएं, यहाँ तक कि जीवन मूल्य टूट बिखर रहे थे। शहरीकरण आदमी को नए ढंग से जीने के लिए बाध्य कर रहा था। सामाजिक जीवन पहले जैसा इकहरा नहीं रह गया था, फलस्वरूप तत्कालीन रचनाओं में संश्लिष्टता का प्रवेश हो रहा था। इस संबंध में कथाकार कमलेश्वर ने लिखा है, शाश्वत और निरपेक्ष सत्य औरों के पास होगा, मेरे पास नहीं है। यदि कुछ है तो शायद समयगत सापेक्ष यथार्थ, जो इकहरा नहीं बहुत उलझा हुआ है। छठें सातवें दशक की हिंदी कहानी में संतराश और अजनबीपन की झलक बहुत स्पष्ट है। प्रगतिशील विचारधारा का क्रम उस काल की कहानियों में भी नहीं टूटा था। भीष्म साहनी, मार्कंडेय, अमरकांत, शेखर जोशी की कहानियों में प्रगतिशील जीवन मूल्यों को रचनात्मकता का आधार बनाया गया। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य लेखकों के अलावा उनकी कहानियों को भी रेखांकित किया जा सकता है। दूसरी ओर कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश ने कहानी विधा के कथ्य और शिल्प के आधार पर हिंदी कथा साहित्य में नई कहानी का नारा दिया, जो शीघ्र ही प्रचार में आ गया। नई कविता की तरह नई कहानी नाम एक विशेष कालखंड की रचनात्मकता की पहचान बना। उस काल में निर्मल वर्मा और मन्नू भंडारी जैसे महत्वपूर्ण कथाकार भी सृजनरत थे। नामवर सिंह तो निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को नई कहानी की शुरुआत मानते हैं, किंतु नई कहानी आंदोलन में जिस कथाकार तिकड़ी की चर्चा अधिक होती है, उसमें मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव के नामों का ही शुमार है। एक धारणा यह भी है कि इन्हीं लेखकों के प्रचार के कारण यह कैफियत बनी। मोहन राकेश की अकाल मृत्यु हुई, राजेंद्र यादव ने हंस में संपादन शुरू किया और रचनात्मक लेखन से अपने को न केवल अलग कर लिया बल्कि अन्यों के भी न लिखने के कारण तलाशने का उपक्रम भी करने लगे। कमलेश्वर ही ऐसे कथाकार हैं जो जीवन भर लिखते रहे। उनका महत्वपूर्ण उपन्यास कितने पाकिस्तान वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ और कमलेश्वर को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। यदि हम उनके लेखन और संस्कृति कर्म के आयामों पर दृष्टि डालें तो उनकी रचनात्मक ऊर्जा से हम प्रभावित होते हैं। पहले हम इस बिंदु पर विचार करें कि किसी लेखक के लेखन कर्म का उद्देश्य क्या है और उसकी रचनात्मकता के स्रोत क्या हैं। सापेक्ष पत्रिका के संपादक महावीर अग्रवाल के साथ अपने साक्षात्कार में अपने प्रारंभिक दौर की कहानियों की चर्चा करते हुए कमलेश्वर बतलाते हैं कि उनके जीवन की शुरुआत अवसाद और घुटन से हुई, क्योंकि उनके आसपास के परिवेश के प्रति एक बड़ी और नामालूम सी तकलीफ थी। वे कहते हैं, इसी माहौल ने शायद मुझे कहानी लिखने के लिए बाध्य किया। अब मैं अपने समय से समझौता नहीं कर पाता, इसलिए लिखता हूँ। अपने समय के आम आदमी की लड़ाई में कलम के माध्यम से लड़ता हूँ, इसलिए लिखता हूँ। कामरेड के बाद की कहानियाँ उसी परिवर्तनकारी सोच का हिस्सा बनती गईं। कमलेश्वर का रचना कर्म कहानी लेखन से ही प्रारंभ हुआ। उन्हीं के शब्दों में, मेरी पहली कहानी 1946 में फरार नाम से छपी थी, लेकिन उसकी कभी चर्चा नहीं हो पाई। कामरेड कहानी
जो 1947-48 के आसपास अप्सरा नाम की पत्रिका में छपी थी, चर्चित हुई। एक कथाकार के रूप में कमलेश्वर हिंदी के सर्वाधिक चर्चित नामों में एक हैं और उनकी कुछ कहानियाँ हिंदी की कालजयी रचनाओं में शामिल की जा सकती हैं। राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, बयान, जॉर्ज पंचम की नाक, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, कोहरा, रावल की रेल, उनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, काली आंधी, समुद्र में खोया आदमी, आगामी अतीत, डाक बंगला, रेगिस्तान, वही बात, सुबह दोपहर शाम, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, उनके उपन्यास हैं। कमलेश्वर की कहानियों पर चर्चा करने से पहले उनकी रचना धर्मिता के अन्य आयामों पर संक्षेप में चर्चा करना उचित होगा। उनकी लेखकीय सक्रियता और प्रतिबद्धता की तस्वीर तभी मुकम्मल हो सकेगी। कमलेश्वर संभवतः हिंदी के एकमात्र कहानीकार हैं जिन्होंने टीवी और फिल्मों के लिए विपुल लेखन किया। पटकथा लेखक, संवाद लेखक और एंकर के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने सारे रचना जगत का ध्यान आकृष्ट किया था। इसे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने और उसे विस्तार देने के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने सारा आकाश, आंधी, अमानुष और मौसम जैसी साहित्यिक रचनाओं पर आधारित फिल्मों के अलावा छोटी सी बात, मिस्टर नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन, राम बलराम जैसी मनोरंजक, साफ सुथरी, पॉपुलर फिल्मों का लेखन भी किया। आंधी, मौसम और रंग बिरंगी स्वयं उनकी कहानियाँ हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वयं कहा कि उनकी 100 से अधिक फिल्में साहित्य संस्कृति का खूबसूरत कोलाज हैं। बावजूद इसके उन्हें लगता रहा कि फिल्में लिखने से कहीं अधिक सुख उन्हें कहानी लिखने में मिलता था, अतः उन्होंने फिल्में लिखना छोड़ दिया। कमलेश्वर भारतीय दूरदर्शन के पहले पटकथा लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। टेलीविज़न के लिए उन्होंने कई सफल धारावाहिक लिखे जिनमें चंद्रकांता, युग, वेताल पचीसी, आकाशगंगा, रेत पर लिखे नाम प्रमुख हैं। भारतीय कथाओं पर पहला साहित्यिक सीरियल दर्पण भी उन्होंने लिखा। इसके अलावा पहली टेलीफिल्म 15 अगस्त का निर्माण और दूरदर्शन पर साहित्यिक पत्रिका की शुरुआत का श्रेय भी उन्हें है। दूरदर्शन पर लगातार 7 वर्षों तक चलने वाला परिक्रमा कार्यक्रम उनका अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम था, जिसमें सामान्य लोगों के साथ बेबाक खुली बहस हुआ करती थी। 1980 से 1982 तक वे दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक भी रहे। कमलेश्वर हिंदी साहित्य जगत के एक प्रसिद्ध संपादक के रूप में अपनी पहचान बनाने में अग्रणी रहे। यूँ तो अपने लेखन काल के प्रारंभिक दौर में उन्होंने विहान पत्रिका का संपादन किया, किंतु उनकी संपादन प्रतिभा और क्षमता का निखार नई कहानियाँ, सारिका, कथा यात्रा और गंगा में विस्तार पा सकी। इन पत्रिकाओं ने हिंदी कहानी के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई विवादास्पद मुद्दों पर उन्होंने खुली बहसें चलाई, हर तरह की सांप्रदायिकता पर तीखे प्रहार किए। दुष्यंत कुमार की गज़लों को पाठकों तक पहुंचाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही। साप्ताहिक पत्रिका इंगित और श्री वर्षा के अलावा उन्होंने दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के संपादन का भार भी संभाला। इन दायित्वों का निर्वाह करते हुए उनके रचनात्मक साहित्य सृजन की गति कभी भी बाधित नहीं हुई। नाटकों के सृजन के अतिरिक्त नई कहानी की भूमिका तथा मेरा पन्ना, समांतर सोच जैसे आलोचना ग्रंथ भी उनके नाम हैं। हिंदी साहित्य जगत के लिए 6वां-7वां दशक वैचारिक उथल पुथल का समय था। उसी दौर में समानांतर सिनेमा की जो चर्चा चली, उसमें
सारिका पत्रिका की अहम भूमिका रही। उसी समय कमलेश्वर ने समांतर कहानी का नारा देकर हिंदी कथा साहित्य में एक हलचल पैदा की, जिसमें जोर दिया गया कि आम आदमी के जीवन संघर्ष को कहानी के केंद्र में रखना ही लेखन की सार्थकता है। समांतर कहानी की गोष्ठियाँ विभिन्न शहरों में आयोजित की जाती थीं। बड़ी संख्या में युवा कहानी लेखक समांतर आंदोलन में शामिल हुए। सारिका पत्रिका ने इस दौर में कई नए लेखकों को साहित्य जगत में प्रवेश करने का अवसर दिया। बाद में कमलेश्वर ने स्वयं कहा कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति तो आगे निकल जाता है, आंदोलन पीछे छूट जाता है। अपनी अटूट रचनात्मक क्रियाशीलता के बावजूद, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, कमलेश्वर बुनियादी रूप से कहानीकार होने में अपनी सार्थकता का अनुभव करते थे। वे 5 दशकों तक निरंतर कथा लेखन करने वाले विरल रचनाकारों में एक हैं। उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखीं, जिनमें से कुछ कहानियाँ हिंदी कथा जगत में महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल की जा सकती हैं। 1957 में प्रकाशित उनकी कहानी राजा निर्वंशिया ने उन्हें खासी प्रसिद्धि प्रदान की। कोहरा, चप्पल, नीली झील, दिल्ली में एक मौत, मांस का दरिया, गर्मियों के दिन, खोई हुई दिशाएं जैसी कहानियों में अपने समय के मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं को कमलेश्वर चित्रित करते हैं। नई कहानी के दौर में और उसके बाद भी भारतीय मध्य वर्ग की एक रस जिंदगी और शहरीकरण से उत्पन्न अजनबीपन से घिरे आदमी पर हिंदी में कई कहानियाँ लिखी गई हैं। कमलेश्वर की 2 प्रसिद्ध कहानियाँ, दिल्ली में एक मौत और खोई हुई दिशाएँ, इस संदर्भ में रेखांकित की जा सकती हैं। हम महानगर में अकेलेपन से घिरे आदमी के अपने आप से अजनबी होने की त्रासदी को खोई हुई दिशाएं कहानी के माध्यम से परखने का प्रयास करें। मनुष्य दिशाओं के द्वारा ही स्थान, रास्ते और गंतव्य को पहचानता है। दिशाओं के खोने का अर्थ है किंग कर्तव्य विमूढ़ता में डूबे हुए मनुष्य की हताशा और संशय। दिशाओं के खोने का मतलब खुद आदमी का इस तरह खो जाना है कि अपने गंतव्य को पहचानने से वह वंचित हो गया है और वह स्वयं अपने होने का अर्थ ही भूलता जा रहा है। नई कहानी के दौर की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि कहानी का पारंपरिक कथा तत्व तरल हुआ। इसे प्रकारांतर से आधुनिक कहानी की मूल प्रकृति भी कह सकते हैं कि उसने घटना बाहुल्य और संयोगों का त्याग किया। अच्छे और बुरे लोगों के सांचों में ढले आदमी से पीछा छुड़ाकर परिस्थितियों के बीच सांस लेते सहज मनुष्य को पात्र के रूप में स्वीकार किया। लेखकों ने सामान्य नागरिक के आसपास घटित होने वाली जीवन स्थितियों के सूक्ष्म विवरणों के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया। कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाएं महानगर के मध्यवर्गीय मनुष्य की परिस्थितियों और मनःस्थितियों को दर्शाने वाली कहानी है। कथानायक के आसपास फैली हुई दुनिया का सूक्ष्म विवरण इसमें उपस्थित है। वस्तुतः यही इस कहानी का कथ्य है। इलाहाबाद जैसे मंझोले शहर से देश की राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित हुए चंदर का अनुभव यह है कि महानगर में आकर उसने अपनी पहचान खो दी है। वह कनाट प्लेस में खड़ा है, जहां सामने और दाएं बाएं आदमियों का सैलाब है। वह देखता है बसें जूं जूं करती हुई आती हैं, एक क्षण ठिठकती हैं, एक ओर से सवारियों को उगलती हैं और दूसरी ओर से निगल कर आगे बढ़ जाती हैं। बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही हैं। आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, पर कोई उसे नहीं पहचानता। हर आदमी या औरत लापरवाही से दूसरे को नकारता या झूठे गर्व में डूबा हुआ गुजर जाता है। उसे लगता है कि
कि महानगर में सड़कें तो हैं पर वे उसे कहीं पहुंचा नहीं पाती। यहाँ के निवासी औरों से कटे हुए अपने आप में बंद हैं, किसी और से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पैसे वाले उच्च वर्ग में तो कोई संवेदना ही नहीं है। कथाकार इस स्थिति को अपने शब्दों में इस तरह कहता है। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। उन घरों के बाहर फाटक हैं जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है, फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतज़ार करने की मजबूरी है। चंदर जिस इलाके में खड़ा है वह अमीर और आम आदमी की विभाजक रेखा है। उन दोनों के बीच कुत्ते हैं। उस तरफ जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कथानायक के आसपास महानगरीय जीवन की आपाधापी से उत्पन्न निसंगता है। दरअसल आदमी की पहचान दूसरों के द्वारा उसे पहचानने से बनती है। आत्मीय रिश्तों की संवेदना में यह पहचान रूप ग्रहण करती है। वह मैत्री बोध के आईने में प्रतिबिंबित होती है। महानगर दिल्ली में चंदर को इसका नितांत अभाव दिखलाई देता है। 3 वर्ष पूर्व जब वह अपने नगर में था तब गंगा के सुनसान स्थान पर भी किसी अनजान व्यक्ति से भेंट होने पर उसे एक पहचान का बोध होता था। उसे लगता है कि उसकी हैसियत के लोग महानगर दिल्ली में थके और बुझे हुए हैं। उनके व्यक्तित्व की दीप्ति और सहजता को भगदड़ से भरे शहर ने छीन लिया है। मासूमियत केवल बच्चों की आंखों में बची है। इस कोमलता से वह अवश्य परिचित था क्योंकि वह तो शहर, कस्बे या गांव हर जगह के बच्चों में है, किंतु वयस्क स्त्री पुरुषों में वह शेष नहीं बची है। सामने गोलगप्पे खाती हुई औरत को देखकर उसे लगता है उसके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और दर्प भी नहीं है, उसमें सिर्फ खुमार है और एक बहुत ही बेमानी और पिटी हुई ललकार है जिसे ना तो नकारा जा सकता है और ना ही स्वीकार किया जा सकता है। वह ललकार सब कानों में गूंजती है और सब बहरों की तरह गुजर जाते हैं। एक गृहिणी का यह रूप भी महानगरीय व्यस्तता की देन है। खुमार इसलिए है कि उसके जीवन में एक स्थायी थकान है, बावजूद इसके वह जीवन संग्राम में जुटी हुई है। इस संग्राम में उसकी चुनौती एक हारे हुए सैनिक की ललकार की तरह है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। दरअसल उस पर ध्यान देने, उसकी प्रशंसा करने या उस पर करुणा करने का समय किसी के पास नहीं है। स्वयं चंदर भी एक मूक दर्शक के अलावा कुछ नहीं है। अपने नगर से दिल्ली आकर वह मरुस्थल में भटके हुए एकाकी मनुष्य की तरह हो गया है जिसे दिशाओं का ज्ञान खो जाता है। 3 वर्षों में वह अपने आप से नहीं मिल सका। अपने आप से मिलने का अर्थ है अपने विषय में कुछ सोचना, अपने अंतर मन में झांकना। दौड़ धूप, व्यस्तता और अनिश्चय में वह मनचाहे ढंग से समय गुजारना भी भूल चुका है। महानगर की एक त्रासदी यह भी है कि वहाँ कोई किसी का मुकम्मल दोस्त नहीं होता। सद्भाव की चाशनी में लपेटा हुआ संबंध होता है जिसके विषय में आदमी जानता होता है कि वह केवल तात्कालिक औपचारिकता है, सत्य से परे। अपने परिचित व्यक्ति आनंद को देखकर उसे लगता है कि नकली आत्मीयता दिखलाने वाला और तारीफ करके सामने वाले को खुश करके उधार मांगने वाला आनंद बहुत बुरा मर्ज है। लंबे विवरण प्रस्तुत करते हुए कमलेश्वर शहर के आदमी के अकेलेपन को गाढ़ा रंग देते हैं। चंदर के भीतर एक बेचैनी है कि उसके जीवन का स्वाभाविक उत्साह और ऊष्मा नष्ट हो चुकी है और वह उसे बचाए रखने में अपने को असमर्थ पाता है। कोर्स की किताबों जैसी भाषा के आदान प्रदान में मैत्री और सहज स्नेह की हरारत नहीं अनुभव होती। आनंद के माध्यम से लेखक यह रूपक गढ़ता है कि महानगर के मध्य वर्ग का जीवन पर्यटन महत्व के
खंडहरों में घूमने की तरह है जहाँ जिंदगी की बेलौस हलचल नहीं होती। चंदर को लगा कि जिंदगी के 25 साल वह उन गाइडों के साथ खंडहरों में बिता कर आया है जिनकी जीवंत कथाओं को वह कभी नहीं जान पाया। सिर्फ दीवाने खास उसे दिखाया गया, नक्काशी दिखाई गई और जनाने हमाम में घुमाकर गाइड ने उसे फांसी वाले अंधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया जहां चमगादड़ लटके हुए बिलबिला रहे हैं और एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक रस्सी लटक रही है जिसका फंदा गर्दन में कस जाता है और आदमी झूल जाता है और उसके बाद अंधे कुएं में फेंकी गई सिर्फ वे लाशें रह जाती हैं। चंदर के संबंधों की चमक इतनी धुंधली पड़ चुकी है कि कुछ वर्षों पूर्व उसकी प्रेमिका रही इंदिरा और उसके बीच अब कुछ नहीं रह गया है। इंदिरा उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी किंतु चंदर उसे सलाह देता था कि उसकी प्रतीक्षा में इंदिरा को अपना जीवन नहीं नष्ट करना चाहिए। वह याद करता है कि इंदिरा तब कहती थी, चंदर तुम क्या नहीं कर सकते। इंदिरा का विश्वास इस मान्यता के आधार पर टिका था कि लगन और प्रतिभा से व्यक्ति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, किंतु महानगर के मध्यवर्गीय जीवन में यह सिद्धांत वाक्य निरर्थक हो जाता है क्योंकि नौकरी पेशा आदमी के जीवन में अवसरों का अभाव होता है। घर लौटने से पहले चंदर इंदिरा के घर इस आशा में जाता है कि संबंधों की गर्मी का एहसास कर सके, लेकिन वह पाता है कि इंदिरा अपने पति के साथ जीवन बिताते हुए चंदर की उन आदतों को भी भूल चुकी है जिसके संबंध में कभी वह दावा करती थी कि उसकी आदतों को वह खूब जानती है। प्रेम जैसे गहन संबंध में आई इस धुंधलाहट से उसके अकेलेपन का रंग और गाढ़ा हो जाता है। कहानीकार यह संदेश अवश्य देना चाहता है कि अजनबीपन के इस बीहड़ फैलाव में आदमी का घर परिवार ही उसकी पहचान का साक्षी है। थकाहारा चंदर जब घर पहुंचता है तो पत्नी निर्मला के सहज स्नेहिल व्यवहार से महसूस करता है कि उसका एक परिचित संसार है। भले ही वह छोटा सा बेहद सामान्य सा है किंतु उसमें अपनेपन की वह गंध है जो महानगर में उद्दंड फैलाव में नहीं है। उसे लगता है कि वह अजनबी और तन्हा नहीं है। उन सभी चीज़ों में एक गहरी पहचान है। घोर अंधेरी रात में भी वह उन्हें टटोल कर पहचान सकता है, किसी भी दरवाजे से बिना टकराए निकल सकता है। अपनी इस पहचान को पुख्ता करने के लिए वह पत्नी से सहवास करके अनुभव करना चाहता है कि वह आत्मीय संबंध खंडित नहीं बल्कि पूर्ण है। उत्तेजना का ज्वार उतरने पर वह सो जाता है, किंतु रात को 2 बजे जब उसकी नींद टूटती है तो उसे लगता है कि यदि वह पत्नी को हाथ लगाएगा तो वह उसे पहचानेगी या नहीं। वह भयभीत होकर पत्नी को जगाकर पूछता है, मुझे पहचानती हो, मुझे पहचानती हो निर्मला। कहानी का यह अंतिम अंश चौंकाने वाला है और अति नाटकीय लगता है। पूरी कहानी मंथर गति से विवरणों को प्रस्तुत करती हुई एक डॉक्यूमेंट्री की तरह विकसित होती है, किंतु उसका यह अंत थोपा हुआ सा लगता है। संभवतः लेखक का मंतव्य अपने कथानायक की मनःस्थिति को पुनः प्रगाढ़ रंग से चित्रित करना है। अजनबीपन और भय को उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने की यह अतिरिक्त सजगता है। ध्यातव्य है कि नई कहानी के दौर पर अस्तित्ववाद के प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नामवर सिंह ने इस संदर्भ में अपने एक साक्षात्कार में टिप्पणी की थी, शायद ही कोई लेखक रहा हो जो 6ठे दशक का हो और अस्तित्ववादी विचारधारा से प्रभावित न रहा हो। उन्होंने उस काल की कहानियों में इस दर्शन के अधकचरेपन को भी
रेखांकित किया है। कमलेश्वर जहाँ जीवन संघर्षों की कहानी रचते हैं, वहाँ वे अधिक स्वाभाविक चरित्रों की रचना करते हैं। वे समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे। उनका आग्रह था कि सड़क के आम आदमी की पीड़ा और संघर्ष को कहानी के केंद्र में रखा जाना चाहिए। इस आग्रह ने तत्कालीन कथा लेखन के शिल्प पर प्रभाव डाला था। निम्न वर्ग के जीवन के चित्र अनिवार्य रूप से आम आदमी की भाषा में ही चित्रित किए जा सकते हैं। यह सरल हिंदी से भिन्न भाषा की वकालत है, जिसका इस्तेमाल भिन्न भिन्न जीवन स्थितियों में जीने वाले अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। कहानी की बुनावट में कथानायक के वर्ग की भाषा की भूमिका है। कमलेश्वर ने अपनी भाषा के विषय में लिखा है, मैं हिंदी नहीं लिखता, मैं हिंदी में कहानी लिखता हूँ।